वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम फाइनली मैं अपने चैनल पे एक्टिव हो गई हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं एक्टिव रहूँ। सो आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। गाइस मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मुझे कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ सैलेश आप बताइए आपने इतनी जल्दी वेट लूज कैसे किया। सो गाइस मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ कि मैंने वेट लूज कैसे किया, वो भी क्या क्या मैंने खाया और कितने टाइम में किया एंड मेरा पहले वेट कितना था। तो गाइस हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मेरा जो पहले वेट था वो 65 था एंड नाउ 55 है। यस मैंने 10 kg लूज किया है। आप जाकर नमकीन सर चैनल में आप देख सकते हो, वहां पर बहुत सडन चेंज आया है। मैंने ये 10 kg लूज किया है 3 months में। मैंने 3 months में 10 kg लूज किया है। कुछ 5 steps से जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ईजी है, पर वो तब तक होंगे जब तक आपका माइंड सेट है। अगर आपका माइंड सेट है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये 5 steps तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। तो गाइस अगर माइंड सेट की ही बात हो रही है तो पहले आप सबसे पहले अपना माइंड सेट करो कि आपको एग्जैक्टली वाकई में आपको अपना वेट लूज करना है कि नहीं करना है। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी मतलब गिव अप कर देते हैं और वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमें हमेशा अपना माइंड सेट स्टडीज पे और कहीं कोई नए काम पे हम जो स्टार्ट करने वाले होते हैं सबसे पहले हम माइंड सेट करते हैं। तो गाइस वेट लूज में भी हमें सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है कि हमें किस तरह से करना है और कैसे करना है और हमें क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ती है। तो पहले तो ये बेस्ट स्टेप है आपका, आप आराम से पहले माइंड सेट कर लो कि आपको करना है कि नहीं करना है। आफ्टर माइंड सेट नाउ गाइस आपको फोकस करना है अपने फूड पर। अवॉइड जंक फूड। मैंने भी 3 months तक बिल्कुल भी जंक फूड नहीं हाथ लगाया था एंड मैं वो खाना खाती थी जो मेरे लिए अच्छा हो, हेल्दी हो और लो कैलोरीज में हो। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको जरूर प्रोवाइड करना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी कि आप देखें कि मैं अपने ब्रेकफास्ट पे, लंच में एंड डिनर में क्या खाती थी। इससे आपको हेल्प भी हो जाएगी और साथ साथ में आपका वेट भी लूज हो जाएगा। हमारा थर्ड स्टेप है बहुत मुश्किल है बिकॉज आई लव मीठा, मुझे बहुत पसंद है मीठा। पर गाइस सीरियसली अगर आप भी मेरी तरह मीठे के दीवाने हो तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा बिकॉज मैंने ये 3 महीने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया है। इनफैक्ट मेरा बर्थडे भी बीच में था और मैंने उसमें भी केक मैंने मतलब होगा तो मैंने इतना सा खाया होगा, दैट्स इट, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। बट गाइस अगर आप लोग बहुत मीठा खाना पसंद करते हो एंड आप इतना नहीं चाह रहे हो कि मैं अवॉइड करूं या मैं नहीं खाऊं, तो गाइस आपको 1 महीना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा मीठा, बिल्कुल शुगर बिल्कुल भी नहीं, कहीं चाय में नहीं, कहीं पर भी आपको शुगर नहीं लेनी है। पर अगर आप चाह रहे हो कि आपको बहुत पसंद है मेरी तरह, तो आप संडे वाले दिन आप थोड़ा सा पीस मिठाई का या केक का या किसी भी चॉकलेट का आप दे सकते हो, पर सिर्फ एक डे जो आप डिसाइड कर लो वीक में आप तब वो ले सकते हो, क्योंकि मैं भी यही करती थी। तो जो थर्ड स्टेप है वो ये है, अवॉइड शुगर। सो गाइस हमारा फोर्थ स्टेप है ईट स्लोली। आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो बैंक में, ऑफिस में, कंपनीज में मतलब काम करते होंगे और अपने लंच टाइम में बहुत जल्दी खाना खाते होंगे क्योंकि वो उनको दूसरा काम भी करना होता है, अपना पेंटिंग वर्क करना होता है। पर गाइस आई रियली रियली गिव यू एडवाइस कि आप प्लीज अपना खाना जो है आराम से सुकून से खाइए, ताकि आपका जो है ना एक तो ये पता भी चल जाता है आपको बहुत जल्दी कि हमारा पेट भर गया है। हम जल्दी भी खाते हैं ना तो हम ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं क्योंकि हमारे पेट को पता नहीं चलता कि हम कितना खा रहे हैं और बाद में जाकर रियलाइज होते हैं कि हमने बहुत खा लिया और फिर उसके बाद जब हम बैक टू वर्क होते हैं ना तो बैठे रहना, तो इससे भी हमारा वेट बढ़ता है। तो गाइस अगर आप लोगों को वेट लूज करना है तो आपको अपना खाना तकरीबन 32 टाइम या 31 टाइम आपको चू करो उस खाने को, उसके बाद आप लो, क्योंकि ये आपके लिए एक तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आप है ना अपना वेट भी आप है ना अच्छा सा लूज कर सकते हो। सो गाइस हमारा लास्ट स्टेप है एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। दोनों ही बहुत अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए भी और आपको एक्टिव भी बनाते हैं। सो गाइस अगर आप वॉकिंग में इतना नहीं हो, आप यूज टू नहीं हो, तो गाइस आप 10 मिनट्स आप स्टार्ट कर सकते हो। आप पहले 10 मिनट्स करें, फिर उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, मैक्सिमम आप 1 आवर लो। मैं इस तरह से वॉकिंग करती थी कि मुझे सबसे पहले तो मॉर्निंग वॉक बहुत पसंद था, पहले मैं मॉर्निंग वॉक करती थी एंड अगर मैं मॉर्निंग वॉक मुझे छूट जाता था तो मैं इवनिंग वॉक करती थी। ये दोनों ही बहुत मेरी टाइमिंग सही रहती थी, इवनिंग या तो मॉर्निंग। सो गाइस नाउ एक्सरसाइज बहुत सारी होती है, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए कौन सी नहीं। मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको शेयर करना चाहूंगी कुछ बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और आपको सीरियसली बर्न भी करेगी आपकी कैलोरीज को। दोनों ही चीजें बहुत अच्छी है आपके लिए, तो आप कभी मत छोड़ना। मैं इनफैक्ट अभी भी दोनों लेकर चलती हूँ, एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। आपको एक्टिव भी बनाता है, आपको हेल्दी भी रखता है।
सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो, मेरी पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी. सो प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करो और बेशक आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं क्या और कर सकती हूँ, मैं व्लॉग्स बना सकती हूँ, चैलेंजेस कर सकती हूँ. तो गाइज मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर करना चाहूँगी ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँ और अपने चैनल में मैं एक्टिव रहूँ. एंड गाइज इन दी एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.